छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का दुबई में होगा सम्मान। आने वाले समय छत्तीसगढ़ के 100 प्रतिभाओं का होगा सम्मान। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर अवार्ड शो आयोजक फिल्म एक्टर कॉमेडियन कल्याण जी जाना ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वे काफी सालों से मुंबई के साथ साथ देश के कई राज्यों में समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई, दिल्ली, राजस्थान के अलावा दुबई में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म इंटरनेशनल शो सफलतापूर्वक पूर्ण के साथ साथ देश की संस्कृति, कल्चर और पर्यटन को भी दुबई में फैशन शो के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में मुंबई में हर वर्ष की तरह 24 नवंबर 2022 को चौथा बड़ा अवार्ड शो आयोजित किया जा रहा है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म नेशनल DPIF लाइफ स्टाइल आइकॉनिक अवार्ड शो में पूरे भारत की कला, संस्कृति और पर्यटन को प्रसारित, प्रचारित और प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि अभी की पीढ़ी को यह बताया जाए जो देश के कल्चर और हमारे पर्यटन को सब मिलकर बचाना है। इस अवार्ड शो में अनेक केंद्रीय मंत्री, देश के अनेक राज्यों के सांसद, मुंबई फिल्म जगत के अनेक एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कॉमेडियन, म्यूजिशियन सहित सिंगर उपस्थित रहेंगे और इस अवार्ड से उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। 24 दिसंबर को होने जा रहा है मुंबई में मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड, छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड और दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड। इसके अलावा 2023 का सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड शो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 24 फरवरी 2023 को होने जा रहा है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म इंटरनेशनल DPIAF लाइफ स्टाइल आइकॉनिक अवार्ड, DPIAF मिस एंड मिसेस इंडिया एंड दुबई इंटरनेशनल कल्चर फैशन शो। दुबई में सेकेंड टाइम इंटरनेशनल स्तर पर अवार्ड शो का आयोजन किया जा रहा है। सभी अवार्ड शो में भाग लेने के लिए दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा से 9301094242 पर संपर्क कर प्रतिभागी बन सकते हैं। कल्याण जी जाना ने बताया कि दादा साहेब फाल्के जी का 15 फुट का स्टैचू बहुत जल्द मुंबई में लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मुंबई सहित देश में कहीं पर भी दादा साहेब फाल्के जी की प्रतिमा स्थापित नहीं है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कल्याण जी जाना ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अति शीघ्र छत्तीसगढ़ के फिल्मी कलाकारों सहित क्षेत्र की प्रतिभाओं को उनकी कला के अनुसार छत्तीसगढ़ में DPIAF छत्तीसगढ़ आइकॉनिक अवार्ड शो के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर अजय मोहन सहाय, प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा, महिला विंग के अध्यक्ष रूना शर्मा और छत्तीसगढ़ की मिस 2020 ब्यूटी क्वीन दिल्ली में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मिस शिप्रा उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV36 हिंदुस्तान। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, आपका टाइम लेकर के यहाँ पर आए हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग सुखबीर साहब के आशीर्वाद से और हमारे अजय साहब, डॉक्टर अजय साहब के आशीर्वाद से, मेरे लकी भाई के आशीर्वाद से, मैं रूना मैडम जी के आशीर्वाद से, मैं यहाँ पर दादा साहेब फाल्के का छोटा सा ब्रांच है DPIAF छत्तीसगढ़ आइकॉनिक अवार्ड, मतलब बेसिकली दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हमारा होते हैं वो बॉम्बे में होते सबसे बड़ा शो होता है। और इसके बाद हमने भी दुबई किया था, तो दुबई के बाद डायरेक्टली हम साहब ने मुझे बुलाया तो आपको आना है, तो मैं आ गया, आप सभी से मुलाकात भी हो गया। तो उनका छोटा भाई दादा साहेब फाल्के जी का, मतलब जो हम शो करते हैं, उसका नाम है DPIAF छत्तीसगढ़ आइकॉनिक अवार्ड से हम सम्मानित करेंगे। अभी हम बॉम्बे किया था, उसके बाद हमने दिल्ली किया था, उसके बाद हमने राजस्थान में कोटा में किया था, अभी हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और यहाँ पे 100 लोगों को हम सम्मान कर रहे हैं। वो 100 लोग में से कुछ पत्रकार होंगे, कुछ एक्टर होंगे यहाँ के, कुछ बिजनेसमैन होगा, कुछ समाज सेवक होंगे, कुछ पॉलिटिकल लीडर होगा, मतलब सब मिक्सअप
एक 100 आइकॉनिक पर्सन को सम्मानित करेंगे, जो सुखबीर साहब जो जिसको चुनेंगे, जो उनके पास जो नाम लिस्ट आएंगे वो हमें बॉम्बे भेजेंगे, उसके बाद हम लोग चुनेंगे। हम लोग 6 दिसंबर को यहाँ पर रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ का जान है, धड़कन है। बेसिकली चैलेंजिंग बहुत था, क्योंकि पहली बार मैंने इंटरनेशनल मैंने शो करने दिया बॉम्बे के बाहर, मतलब बॉम्बे के बाहर नहीं, मतलब इंडिया के बाहर बॉम्बे, और दुखदाई था और अच्छा भी था, और रोया भी हुई बहुत वहाँ जाकर, क्योंकि किसी ने कहा है जो दुबई की मिट्टी और दुबई के पानी और मुंबई का मिट्टी और मुंबई के पानी, जब तक किसी को हजम नहीं होगा तब तक वो अपनाते नहीं है। तो बहुत मेहनत लगा, बहुत मेहनत किया मैंने, मेरी टीम, मैं धन्यवाद करता हूँ मैं DPR की टीम को, मेरे वैरू जैन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मेरे लवली वाइफ अंकिता जाना जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है, और गौरव शाह, और तमाम मेरे दुबई के जो तमाम मेरे लोग हैं, हमारे जितेंद्र साहब, उसके बाद जो हमारे जितेंद्र दोनों हैं जितेंद्र, दोनों ने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही काफ़ी, मतलब कलीम शेख कलीम साहब दुबई में, उन सभी के आशीर्वाद से आप बिलीव नहीं कर पाएंगे सर, 45 स्टार को मुंबई से दुबई लेके जाना, और उनको पूरा इतनी बड़ा शो को मतलब इंतज़ाम करना, पहली बार मैं कर रहा था, फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल में शो कर रहा था, तो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से।